हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमाचली ब्लॉगर पूजा। तो सुबह का टाइम हो गया है, आज का ब्लॉग मैं सुबह से शुरू कर रही हूँ। अभी 9:30 कुछ ऐसा टाइम हुआ है, क्योंकि मुझे आज हेयर वॉश करने है, इसलिए मैं अभी हेयर ऑयलिंग करूंगी, कि वैसे मैंने रात में करनी थी। तो फिर ये रहता है कि सुबह उठ के जब भी कर लो हेयर वॉश, बट मैंने रात को नहीं किया क्योंकि मैं काम करते करते पूरा निपटाते जो है बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। मैंने हेयर ऑयलिंग नहीं की थी, स्टैंड को छोटा कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो अब हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ। 2-3 घंटे के बाद हेयर वॉश भी कर लूँगी, क्योंकि मैंने झाड़ू लगा दिया है, पोछा लगा दूँगी, बाकी के जो भी काम है, कपड़े वगैरह धोए थे जो, वो सब मेट के रखूँगी। तब तक 2.5-3 घंटे हो ही जाएंगे, फिर तब तक जो हेयर ऑयल मैं लगाऊँगी उसका जो फ़ायदा है वो भी मुझे हो जाएगा। तो जो हेयर ऑयल मैं आज यूज़ करने वाली हूँ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि मुझे अभी भी याद है पहले ना हेयर ग्रोथ के लिए हम लोग वो सरसों के तेल में कलौंजी उबालते थे, पहले गरम करते थे, मतलब कलौंजी, या जब हम वो बनाते हैं शैम्पू बनाते हैं, कोई हर्बल शैम्पू बनाते हैं, तो उसमें भी हम लोग कलौंजी ऐड करते हैं, तो क्योंकि ना उससे बाल जो है हमारे बालों को काला रखने के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए, थिकनेस के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है कलौंजी का तेल। या कलौंजी अगर रॉ होती है तो हम उसको ऑयल में बॉईल कर लेते हैं, या फिर शैम्पू में भी हम उसको बॉईल करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फायदे हैं उसके। और मेरा अगर आप व्लॉग पहले से देखते हो तो मैं बहुत बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मैं बालों में अपने जो है ऑयलिंग 2 बार तो हफ्ते में ज़रूर करती हूँ, और ज़्यादातर मैं जो है हेयर ऑयलिंग ओवरनाइट करके रखती हूँ, कि मतलब मैं रात में हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ, फिर उसके बाद सुबह जैसे ही मुझे टाइम लगता है तो मैं हेयर वॉश कर लेती हूँ। बट रात को मुझे टाइम नहीं लगा था, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, तो अभी मैं बैठ गई हूँ हेयर ऑयलिंग करने के लिए। आप लोग बोलोगे कि पहले वो ऑनियन वाला, तो ऑनियन तो आपको पता ही है कि ऑनियन का जो ऑनियन हेयर ऑयल होता है वो तो इफेक्टिव होता ही है, लेकिन कलौंजी भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है हमारे बालों के लिए। और तो आज भी मैं इसका ही ओरिगेंस का ही ये कलौंजी ब्लैक सीड ऑयल, यानी कि कलौंजी का जो तेल होता है वो यूज़ करूँगी। आपको पता ही है कि इसमें लिखा ही है फॉर हेल्दी हेयर्स, हेल्दी बालों के लिए, किसी भी टाइप के अगर आपके बाल ऑयली है, ड्राई है, रफ है, कुछ भी है, तो ऑल हेयर टाइप पे ये तेल जो है सूट करेगा। और अनरिफाइंड है, सबसे बड़ी बात ये अनरिफाइंड है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। तो इनके जो प्रोडक्ट है वो पता ही आपको, पूरे नेचुरल प्रोडक्ट है। तो वैसे अगर बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए तो आप इसको ओवरनाइट लगा के रख सकते हो, लेकिन अगर ओवरनाइट नहीं लगा पाते हो आप लोग, तो 2 या 3 घंटे पहले बाल धोने से, तो ये देखो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा ये ले लिया है। आप कॉटन की हेल्प से भी लगा सकते हो, लेकिन मैं ऐसे फिंगर से लगाऊंगी, तो इसे कहते हैं मसाज भी अच्छे से हो जाता है और तेल अच्छे से लग जाता है। वैसे कॉटन से लगाओगे तो कॉटन से भी अच्छे से लग ही जाता है, तो बस ऐसे में अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से इसको अच्छे से लगा लूंगी। और मुझे हेयर ऑयलिंग करना बहुत पसंद है, चाहे मैं खुद करूं या मैं किसी और से करवाऊं, लेकिन मेरा ये ऑल टाइम फेवरेट काम है ये। और अगर आप ऐसे डायरेक्ट ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे करके भी कर सकते हो, क्योंकि ये देखो यहाँ से अच्छे से लग जाता है ये। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो डैंड्रफ से भी रिलीफ देगा। और कई बार स्कैल्प पे हमारे जो है इन्फेक्शन हो जाता है, तो अगर आप ये हेयर ऑयल यूज़ करते हो तो ये हेयर ऑयल जो है मेडिसिन की तरह काम करेगा, इन्फेक्शन से लड़ेगा और अच्छा कर देगा आपके स्कैल्प को। तो हेयर ऑयलिंग तो मैंने पूरी कर ली है, और अब मैं इसको ऐसे ही 2-3 घंटे के लिए बाल अपने बांध लूँगी, और तब तक बाकी के काम निपटा लेती हूँ, फिर उसके बाद हेयर वॉश भी करूँगी। और काफ़ी अच्छा है ये हेयर ऑयल भी, वैसे मुझे सूट कर रहा है, मैंने यूज़ कर लिया है 2-3 बार, उसके बाद ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं ये। तो लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपको चेक कर लेना आप वहाँ पे, काफ़ी अच्छा है हेयर ऑयल।
तो चलिए थोड़ा काम कर लेते हैं। ये दोनों तो चले गए हैं, मतलब नीरज ऑफिस चले गए, आदित्य स्कूल चला गया, लेकिन उसके स्कूल से आने से पहले पहले मेरे को पूरा काम निपटाना होता है। तो अभी मैं बताती हूँ, देखो आपको ये रहा किचन मैंने क्लीन कर लिया है, ये कढ़ाई अभी खाली करने के लिए बाकी बची है, बाकी सारा काम हो गया है। और कपड़े जो मैंने परसों के धोए थे वो वैसे के वैसे ही पड़े, उनको भी मुझे अलमीरा में लगाना है, सेट करना है मतलब। ये देखो हो गई ना हेयर ऑयलिंग, ये काम भी हो गया आज। अब जो ये सत्यानाश किया है बालों का, इसको ठीक भी तो करना ही पड़ेगा ना, जो ये मैंने कटवा दिया। और देखना मैं कितनी जल्दी ना ऐसे ही ये रेमेडीज वगैरह यूज करके फिर से मेरे बालों की जो ग्रोथ है वो जल्दी देखने को मिलेगी आपको। हेयर ऑयल अच्छा चूज करो, हमेशा मैं यही बोलती हूँ कि अपने जो शैम्पू है और हेयर ऑयल है वो अगर आप अच्छा चूज करते हो। किसी ने मुझे कहा था कि, एक मिनट में बताती हूँ, कि आप सनसिल्क का वो शैम्पू यूज करके फिर उसके रिव्यूज हमें देना। ये वाला शैम्पू मुझे बोला था यूज करने के लिए, अब मैं भूल गई कि किसने मुझे पूछा था। तो मैंने ना इसकी दो, ये दूसरी बोतल है जो इतनी यूज की है मैंने, तो मैं आपको बताती हूँ कि मुझे ये शैम्पू इतना ज्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि मेरे जो बाल है ना वो थोड़े जो है सॉफ्ट टेक्सचर के हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट से हैं मेरे बाल और थिक नहीं है मेरे बाल। तो क्या होता है, ये वाला जो शैम्पू है ये उन बालों के लिए जिनके बाल बहुत ज्यादा वेवी होते हैं, और ये सॉफ्ट कर देता है बालों को, बालों की वॉल्यूम कम कर देता है। तो ये मैंने, मुझे लगा कि शायद एक बॉटल में मुझे पता ना चले, तो मैंने दूसरी बॉटल ली इसकी। जब दूसरी बॉटल ली तो फिर ये मुझे अच्छा नहीं लगा, नीरज को ये अच्छा लगा क्योंकि उनके बाल थोड़े से वो है ना, ऐसे सख्त सख्त से बाल है तो उनके बाल इससे सॉफ्ट हो जाते थे, लेकिन मेरे बाल पहले से ही सॉफ्ट है, मैं इसको लगाती तो मेरे बाल और ज्यादा सॉफ्ट हो जाते थे। और उससे क्या होता था कि ऐसा लगता था जैसे मैंने हर वक्त ही ऑयल लगा रखा है, चिपकू चिपकू से वैसे लगते थे। तो फिर मतलब अगर आपके हेयर बहुत ज्यादा वेवी है या बहुत हैवी बाल है तो तब आप ये शैम्पू यूज कर सकते हो, सनसिल्क का जो कोकोनट वाला नया आया है ये। और अगर आपके बाल मेरी तरह है, मतलब एकदम स्ट्रेट या पतले टेक्सचर के बाल है, तो आप मत यूज करना, क्योंकि इससे ना एकदम ऐसे चिपकू से हो जाते हैं बाल, लगता है कि हेयर वॉश नहीं किया है या फिर ऑयल आ गया बालों में, ऐसे लगता है। तो मेरे लिए ये शैम्पू नहीं था, इसलिए मैं लॉरियल का जो है जो हमेशा लगाती हूँ वही लेके आई हूँ। वैसे मैं हर्बल शैम्पू भी बना के रखती हूँ घर पे, वो भी मैं कभी शेयर करूंगी आपसे जरूर। तो चलो मैं थोड़ा सा काम निपटा लूँ और फिर उसके बाद करती हूँ आपसे बात, अदरवाइज फिर मेरा काम रह जाता है और आदित्य का आने का टाइम भी हो जाता है। तो यहाँ पे जो सारे कपड़े मैंने धो के सुखा के रखे थे उनको मैं तय कर लूंगी, और तय करने के बाद इनको जिस जिस के जो कपड़े उसके अलमीरा में जो भी जिसका बॉक्स है उसमें रख दूंगी। और पहले मैं तय करके अलग अलग लगाती हूँ, जैसे अपने कपड़े अलग, नीरज के अलग और आदित्य के अलग, तो फिर मुझे ईजी हो जाता है उनको सेट करना, मतलब जिनको जहाँ रखना है वहाँ पर रखने के लिए ईजी हो जाता है। तो दो दिन से कपड़े वैसे ही पड़े थे, मुझे ये काम बहुत ही बेकार लगता है। आफ्टरनून 1 बज गए और मैं अभी नहा के आई हूँ, मुझे ना ध्यान ही नहीं रहा था कि आदित्य की स्कूल बस भी आने वाली है, मतलब 1:05, 10:15 कई बार 1 बजे आ जाती है। एकदम से नहाते नहाते बाल धोते हुए याद आया कि मुझे आदित्य को लेने भी जाना है, फटाफट किया भी, देखो बाल गिले ही हैं, अभी सुखाऊंगी कंघी करूंगी, पर पहले मैं आदित्य को लेके आती हूँ, उसके बाद बात करती हूँ आपसे। चलो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेथी कितनी लगी है, वैसे तो मैंने दिखाई भी थी कुछ दिन पहले, बट हो सकता है आपने पूरा व्लॉग ना देखा हो, क्योंकि कल भी रीता जी पूछ रही थी कि आपकी जो मेथी लगाई थी और धनिया लगाया था वो कितना लगा है। तो मैं आपको बैक कैमरा से शूट, ये री मेथी इतनी सारी लगी है, ये देखो ये लगी है यहाँ पे, ये लगी है और ये रहा धनिया। धनिया कुछ खास नहीं लगा बट फिर भी लग गया है काफी, और पुदीना कहाँ गया, ये रहा पुदीना, पुदीना भी लग गया है, पुदीना भी काफी लग गया है, ये देखो यहाँ पे लग गया है पुदीना, तो कहीं पे भी उग रहा है, ये देखो यहाँ पे भी लगा है, यहाँ पे लगा है, ये नहीं है ये वाला है,
तो ये देखो इतनी सारी लग गई है मेथी, ये देखो इसको हम इस संडे को निकाल लेंगे और इसके परांठे बन जाएंगे। पालक भी लगा है लेकिन थोड़ा ही लगा है, ये रहा बीच में पालक भी लगा है। मेथी ना मैंने घनी बीज दी थी, बहुत घने घने बीज डाल दिए थे इसलिए इतनी घनी घनी लगी है, पर एक दो सब्जी निकल जाएगी इसमें से, परांठे दो लोगों के तो निकल ही जाएंगे। और थोड़ा सा धनिया मैंने ऊपर भी लगाया था घर के पास, वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो यहाँ पे भी लगा है धनिया, करो पहले सबको हाय कर दो, बोल दो। ऐसे कैसे लग जाएगा स्पाइडरमैन को करंट, मैंने इसको बिठाया है ऊपर, इसको बहुत कूदने का शौक है ना इसको इधर से उधर, इसलिए मैंने इसको ऊपर ही बिठा दिया। लाओ निकालो बॉटल, अच्छा और कुछ कैसा रहा आपका दिन आज? नहीं 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 वो गिर जाएगा, गिर जाएगा। अच्छा बताओ अब, मैं उतार देती हूँ, मैं उतार देती हूँ, लो चलो आओ कपड़े चेंज करें, फिर हैंड वॉश करें, फिर खाना खाएं, ठीक है? ओके हाँ, चॉकलेट कैंडी। ते रिश्वत मांगनी शुरू कर दी है देखना, आते बोल रहा है कि खाना खाने के बाद मुझे क्या मिलेगा। तो ये आ गया स्कूल से, मैं इसकी ड्रेस वगैरह चेंज करवा लेती हूँ और खाना खिला लेती हूँ। चॉकलेट चलो पहले, सबसे पहले शूज उतारो, ड्रेस चेंज करो। चलो ठीक है, थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। बच्चे कितने मासूम होते हैं ना, कुछ पता नहीं होता है दुनियादारी का। आदित्य बोल रहे हैं वैक्यूम क्लीनर पूरा कूड़ा खींच लेता, तो आप वैक्यूम क्लीनर क्यों नहीं ले लेते? हाँ भाई कचरों को खींच लेता है तो आप वैक्यूम क्लीनर क्यों नहीं ले लेते? मैंने इसको बोला कि वो पैसों से आता है, तो पैसे तो पापा कमाते हैं ना, पैसे तो पापा कमाते हैं ना, तो पापा तो आपको पैसे दे देंगे तो आप वैक्यूम क्लीनर खरीद सकते हैं। और यही लाइफ सबसे अच्छी होती है बचपन की, जिसमें दुनियादारी का कोई लेना देना नहीं है, कौन क्या सोचता है क्या बोल रहा है कोई नहीं, बस अपने से मतलब होता है, यही होता है। कौन है? आप कौन है? Who are you? Oh my God, नया सूट, नया नया सूट आ गया था। Oh my God. बस कोरोना वायरस फैला हुआ है, हाय हाय नहीं करनी, ऐसे करना, ऐसे हाथ नहीं मिलाना किसी से, मुंह से मुंह नहीं मिलाना, समझ रहे हैं वो लोग जो जो लोग जो लोग विवाहित हैं और जो अविवाहित हैं, मुंह से मुंह नहीं मिलाना बिल्कुल नहीं भाई, जुकाम हो जाएगा, सदमे में मर जाएगा आदमी की, कोरोना हो गया ऐसे करना है। कल दोनों माँ बेटी गाड़ी साफ करना है। हम क्यों करें गाड़ी साफ, मैं तो चलाने को देते थे गाड़ी, हमें मैंने बोला मेरे को गाड़ी कब दोगे चलाने के लिए, बताओ क्या जवाब था तुम्हारा? तुम्हारी है, तुम्हारी है, अभी तुमने पेट्रोल डलवाया उसने, एक घंटे का पेट्रोल डलवाया था, नहीं ये बता जिस दिन तुम पेट्रोल डलवाएगी ना उस दिन गाड़ी तो चलाएगी। क्यों मैं, ये क्या मतलब होता है, कैसी मतलब होता है, जिम्मेदारी अपनी अपनी, कर्तव्य अपना अपना, मजा अपना अपना। अपनी गाड़ी साफ कर दूंगी, बर्तन धो रहे मैं खाना बना, मैंने नहीं बोला है देखो, मैंने नहीं बोला है देखो कि बर्तन धो, एक बार कह दो कि मैंने बोला है, नहीं बोला है, नहीं बोला है।
मैंने नहीं बोला है खुद से धो रहे हैं, मैंने मना भी किया, धमकी दी, धमकी बोला नहीं, धमकी धमकी, मैंने कोई धमकी नहीं दी है। जो हमारी पति एसोसिएशन है, मैं उससे गुजारिश करना चाहता हूँ कि मुझे इस दरिद चंगुल से बचाएं, इसको वायरल कर दो। हर बात के लिए हर बात पे वायरल कर दो, हर बात चल रही वायरल कर दो। अरे तो आजकल ट्रेंड चला हुआ है ना, आजकल लोग सामाजिक समस्याएं दिखाते हैं। हाँ, तो हमारे क्या सामाजिक, फिर उसको बोलते हैं इस बेटी के साथ बहुत बुरा हुआ है, इस वीडियो को वायरल कर दो, इस बेटे के साथ बहुत बुरा हुआ है, इस वीडियो को वायरल कर दो, इस चोर के साथ बहुत बुरा हुआ है, इस वीडियो को वायरल कर दो। हर चीज कमर्शियलाइज है ना, हर चीज कमर्शियलाइज होगी ना। मैं चपाती बनाऊंगी और तुम धोगे बर्तन। वाह 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 वाह। मुझसे बिछड़ के खुश रहते हो, मेरी तरह तुम भी झूठे हो, मेरी तरह तुम भी झूठे हो, मुझसे खुश है। कि गाना मैंने नौवीं से लेके ग्यारहवीं तक बहुत सुना है, ठीक है। मतलब एक कैसे थी जगजीत सिंह की, उसमें गजल थी एक ये, और एक गजल थी दिल तो एक जिद प्यारा है किसी बच्चे की तरह, या तो सब कुछ इसे चाहिए या कुछ भी नहीं। ये साइड बी का दूसरा गाना था। एक तेरी से चांद टिका है, एक तेरी से चांद टिका है। मैंने बोला गाना जोर से गा दो, लोग भी सुन लेंगे तो पैसे लेता हूँ मैं उसके। हैं तुम तो बड़े वो हो गए हो अब। देखो लोग माने ना माने, खुद को प्रोफेशनल सिंगर मानना चाहिए आदमी को। लोगों के मानने में क्या रखा है, खुद को मानना चाहिए भाई, अपना रेट खुद तय करो। अभी भी पी लेना ठीक है। तो डिनर हम लोगों ने कर लिया, डिनर का मैंने शूट नहीं किया खाते हुए, पर डिनर हम लोगों ने कर लिया है। नहीं मैं व्लॉग बना रही हूँ, बोलना है कुछ तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मुझे लगता है ब्लॉग काफी बड़ा हो गया होगा अब तक, क्योंकि दिन से लेके मैंने शुरू किया है, तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके ही जाना। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।